मुझे बोला देखो मुझे फॉरेन जाना है, मेरा ये पासपोर्ट में आप हाथ लगा के जरा प्रार्थना करना उसको वीसा मिलने के लिए। तब उसका पत्नी और दो बच्चा पीछे खड़े होकर रोता है। उसका रोना क्या है, ये नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, ये जाएगा तो मैं पूछा तुमको जाने के लिए पैसा है? नहीं नहीं वो पैसा मैं इंटरेस्ट में लेगा। कितना लेगा? इतना लाख लेना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कौन चुकाएगा? वो मैं उधर जाने के बाद भेजेगा, क्या पता उधर जाने के बाद नौकरी मिलेगा क्या, उधर जाने के बाद पैसा भेजेगा। वो कुछ दूसरा सपना में है, दूसरा सपना में। तो मैंने बोला बेटा तुम क्या करता है? मैं मछली पकड़ता है, मछुआ है। अरे तो मछुआ तो पूरा समुद्र का मछली तुम पकड़ सकता, तुमको क्या तकलीफ है? तुम क्यों बाहर जाना है? बहुत सारे लोग बाहर में ऐसा कुछ मिलता है सोचकर बाहर जाता है, बाहर जाने के लिए कोशिश करता है और उसके लिए बहुत तकलीफ करता है, बहुत पैसा खर्चा करता है, उसके बाद वहाँ जाके परेशान हो जाता है, फिर वहाँ से इधर नहीं आ सकता है और माँ पत्नी और बच्चा लोग बेचारा यहाँ पर परेशान होता है। क्या है कि ईश्वर का योजना में क्या होना चाहिए वही हमारे लिए भल होगा। तो मैंने बोला देखो बेटा ये ईश्वर का योजना नहीं है तुम बाहर जाना। तुम्हारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है तुम्हारा पत्नी और दो बच्चा को यहाँ पर संभालने के लिए, उसके लिए जो चाहिए ईश्वर देगा। हमारे ये जर्मनी में एक कहावत है, जर्मनी में वो कहावत ऐसा है कि एस्ट कम हास देन कम ग्रास, मतलब पहले हास रैबिट को क्या बोलता है, रैबिट खरगोश, पहले खरगोश आएगा उसके बाद उसके लिए घास आएगा। ईश्वर जो खरगोश को बनाने वाला ईश्वर उसके लिए क्या बोलता है ग्रास हास हास उसके लिए हास, जर्मनी में भी हास है, एस्ट कम हास देन कम, उसके लिए हास नहीं बनाएगा क्या? जो मुंह बनाने वाला खाना नहीं बनाएगा क्या? हम लोग सिर्फ परेशानी में लगा रहता है कि कैसे बच्चा को खिलाएगा, कैसे खाना, कैसे उनको जीवन बताएगा, उतना सोचना नहीं। ईश्वर सब कुछ बना के रखा है, ईश्वर सब कुछ बना के रखा है। तब आखिर में वो नहीं गया, वो बोला ठीक है भाई साहब मैं नहीं जाएगा। तब वो पीछे मुड़ के देखा तो उसका पति का रोना बंद हो गया और वो पत्नी और बच्चों उनको एकदम प्यार से मोहब्बत से गला लगाया। सो हमारा प्रार्थना में हम बहुत बार मुझे वो चाहिए 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 बोलेगा तो देगा, क्योंकि दूसरा हमारे लिए जो बनाया है वो उधर ही रखा है। बहुत बार हम ऐसा मांगेगा तो देगा, लेकिन वो ईश्वर का इच्छा नहीं है। तो ऐसे चीज मिलने से हमारा जीवन पर परेशानी होगा। तो हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए कि हे प्रभु तुम मेरे लिए क्या बना के रखा है वो मुझे दे दे, मेरा जिंदगी में क्या बनना चाहिए वो मुझे दे दो। मैंने फादर जी कहा ना, मैंने एक इंजीनियर था, बहुत बड़ा काम करता था, लेकिन प्रभु ने मुझे बुलाया तुम मेरे लिए जाएगा, तुम मेरे लिए सुसमाचार का घोषणा करेगा,
मैंने बोला मुझे मालूम भी नहीं है कैसे करना है, मैं कभी नहीं किया, लेकिन अगर आप मांगेगा तो मैं जाएगा। और उसी दिन से मैं कभी मुड़ के नहीं देखा। मुझे पूर्ण यकीन है, पूर्ण यकीन है ये ईश्वर का काम ही मैं कर रहे हैं। इसीलिए मेरा प्रार्थना में व्यक्तिगत प्रार्थना हमेशा, मैं रोज सुबह उठकर व्यक्तिगत प्रार्थना करता है। अच्छा, अभी समय हो गया हमारा नाश्ता करने का, तो अभी दूसरा एक समय पर मैं ये व्यक्तिगत प्रार्थना आपको परिचय कराएगा कैसे करना है। अभी समझ गया ना ये व्यक्तिगत प्रार्थना कितना जरूरी है, समझ गया ना? अच्छा, अभी इतना से प्रार्थना करो। हे प्रभु, आप दोनों हाथ हृदय पर लगाते हुए, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे हृदय पर निवास है, मैं ईश्वर का मंदिर हूँ, और मेरा जीवन में क्या क्या मिलना चाहिए सब कुछ आप इकट्ठा करके रखा है। पहले मुझे आपका प्यार से भर दिए, मुझे पवित्र बनाइए, मेरे अंदर में जो कुछ भी बुराइयां हैं उसको धो डालिए, मेरे हृदय को पवित्र बनाइए, और मेरे हृदय में पवित्र आत्मा का वरदान को भर दीजिए, प्यार से भर दीजिए, प्रेम शांति आनंद दीजिए, और प्रज्ञा दीजिए, ईश्वरीयता दीजिए। हे प्रभु, ईश्वर का वचन और ईश्वर का ज्ञान मुझे दीजिए, ईश्वर का स्वर सुनने के लिए मेरा हृदय को पवित्र कीजिए। ओ आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा, ओ आत्मा पावन आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा, जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो, जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो, प्रज्वलित कर मेरे हृदय में तेरी प्रेम की अग्नि ज्वाला। ओ आत्मा पावन आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा, बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही अभी भोजन के समय पर आप ये अंदर में निवास प्रभु से बातचीत कर सकता है, बातचीत करते हुए प्रार्थना कर सकता है। अभी ओ इतना समय हो गया, हमारा समय तो पूरा, तो जल्दी भोजन करके आइए, जल्दी भोजन करके आइए। जय यीशु, जय यीशु।